Hey everyone, how are you? I hope you all are doing well. So welcome back to my channel, Learn Cymathics. मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ. सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया था आपके चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी के. आज वाली वीडियो में हम क्या करेंगे? आज वाली वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं MCQs की फॉर्म में. ठीक है, सो आपने क्या करना है, वीडियो को जो है एंड तक देखना है, सभी चीज़ों को ध्यान से समझना है, तभी आपको कुछ क्लियर होगा. ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फटाफट जाकर बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके. और जिन बच्चों ने अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है क्वेश्चंस की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास सभी वीडियोस का लिंक प्रेजेंट है. लिंक पर क्लिक करिए और फटाफट जाकर पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए. तो चलिए देखते हैं किस तरह के MCQ क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको भी कुछ पता चले और आप फटाफट से आप प्रिपेयर कर लो, ताकि जब बोर्ड्स का टाइम आए आप अपने क्वेश्चंस को फटाफट से कर दो, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन आते होंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए. इफ अ पर्सन हैज 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओम, देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टेड देम इज. एक पर्सन है, उसके पास 5 रेजिस्टर है, हर एक रेजिस्टर की वैल्यू 1/5 ओम है. ठीक है, तो बताइए मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो कब ऑब्टेन करेगा, जब वो उन्हें कनेक्ट कर देगा. तो आप मेरे को बता दीजिए कि हम इन रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें, हमें रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम चाहिए. और आपको याद करो कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में होता है, याद करो माइंड. ठीक है, पिछली वीडियो देखी हुई है, चैप्टर की कंसेप्ट समझा हुआ है. तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम किसके अंदर ऑब्टेन कर सकते हैं, जब हमारे पास रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो. ठीक है, जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो तभी हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो आता है. तो बताइए ऑप्शन क्या है, 1 ओम, 5 ओम, 6 ओम या 25 ओम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए सॉल्व करके देखते हैं. सीरीज की बात आई है तो 5 रेजिस्टर है, 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 यानी कि 5/5 यानी कि 1 ओम. देखिए आंसर है आपके पास, ये बिल्कुल है 1 ओम. ठीक है, तो ये आपका आंसर है. इजी था क्वेश्चन. अब बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके अंदर आता है, किस चीज़ में कनेक्ट होना चाहिए, सीरीज में या पैरेलल में. सीरीज में आपके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है. सेकंड क्वेश्चन, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी ऑब्टेन यूजिंग 4 रेजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम. सेम क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस की ही बात हुई है. यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर दे रखा है आपको और 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है. 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 8, तो 8 है ही ऑप्शन आपके पास, 8 ओम. ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखा था ना कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपके पास किसके अंदर आता है, सीरीज में आता है या फिर पैरेलल में आता है. तो नोट कर लीजिए, इस टाइप के MCQs आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 रेजिस्टर ऑफ 10 ओम, 15 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. 3 रेजिस्टर्स आपको गिवन है, वो तीनों पैरेलल में कनेक्ट है. फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब आपको क्या निकालना है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. अब आपको पता है अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालना है तो कैसे निकालते हैं. ऑप्शन ए है 7.0, ऑप्शन बी 2.73 ओम, ऑप्शन सी 5 ओम एंड डी 9 ओम. तो सॉल्व करके देखते हैं, हमें निकालना है पैरेलल में, तो ऐसे ही होता है ना. तो सॉल्व करो, यहाँ से क्या आएगा, अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करके देखो. ठीक है, ऐसे लिख देंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा यहाँ से एलसीएम, देखो क्या आएगा कैलकुलेट करके. 30 एलसीएम आ जाएगा, 10 2 जा 15 2 जा 5 6 जा यानी कि 3 + 2 + 6 यानी कि 11/30. तो 11/30 से सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.73 ओम. है आपके पास ऑप्शन में 2.73 ओम, है बिल्कुल है. तो
तो यहाँ से आपका ये आंसर है, तो करेक्ट है, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, हमने जो है बताना है कि जो रेजिस्टिविटी है वायर की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑप्शन ए इट्स लेंथ, ऑप्शन बी इट्स थिकनेस, ऑप्शन सी इट्स शेप एंड ऑप्शन डी नेचर ऑफ मटेरियल। हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, हमने रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर जो है रेजिस्टिविटी वायर की डिपेंड करती है, किसके ऊपर करती है। ऑप्शन डी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर जो है डिपेंड करती है। ठीक है, नहीं पता है, नहीं देखा है रेजिस्टिविटी के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रेजेंट है, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़िए, नेचर के बारे में पढ़िए। ठीक है, इसके वायर के मटेरियल सब कुछ है उसमें लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स से ए एंड बी। आपके पास दो डिवाइसेस जो हैं लगे हुए हैं दो पॉइंट्स के बीच में ए और बी इन पैरलर, और पैरलर में लगे हुए हैं, पैरलर कॉम्बिनेशन है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन्स द सेम बिटवीन द टू पॉइंट्स, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इन पॉइंट्स के बीच में सेम रहेगी। बात कर ले हैं हम कर रहे हैं हम पैरलर की, तो पैरलर में क्या कांस्टेंट रहता है, क्या कांस्टेंट रहता है पैरलर में, याद करिए मैंने आपको बताया हुआ है जब हमने चैप्टर को पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब हम पैरलर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे रेजिस्टर के, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या कांस्टेंट रहता है, क्या सेम रहता है। तो क्या सेम रहता है पैरलर में, तो बच्चों पैरलर में जो है आपके पास वोल्टेज सेम रहती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, वोल्टेज। समझ में आया, तो पूछा जाता है एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को भी, अगर आपने टॉपिक को पढ़ा होगा अच्छे से तो आप इसको झट से जो है टिक कर दोगे, सोचने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़, अब इलेक्ट्रिक पावर को आपने पढ़ा था, वो लास्ट वीडियो थी, लास्ट जो चैप्टर खत्म हुआ था लास्ट वीडियो थी, तो आपने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था, तो क्या है उसकी यूनिट। ए ऑप्शन वोल्ट एम्पीयर, बी ऑप्शन किलोवाट आवर, सी ऑप्शन वॉट सेकंड, डी ऑप्शन जूल सेकंड। तो क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्या है इसकी यूनिट इलेक्ट्रिक पावर की। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर्स है, किलोवाट आवर में जो है हम पावर को मेजर करते हैं, उसके यूनिट्स को देखते हैं किलोवाट आवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, इन चारों में से वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास वर्क डन बाय करेंट इनटू टाइम, ऑप्शन बी वर्क डन इनटू चार्ज, ऑप्शन सी वर्क डन इनटू टाइम बाय में करेंट, ऑप्शन डी वर्क डन इनटू चार्ज इनटू टाइम। तो आपके पास वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से ज़रा देखिए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को, बताइए मुझे क्या है वोल्टेज का फॉर्मूला, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़रा नोटबुक्स में सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम। कैसे है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, कमेंट्स में अपने आंसर बताओगे, नहीं क्लियर होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में। तो इसका ऑप्शन ए है वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम। मैंने बहुत बार इसके फॉर्मूला डिस्कस किए हैं आपसे, तो शायद आपको याद भी होगा, नोटबुक्स में सॉल्व करते रहना इसे। ठीक है, और अपने आंसर जो है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जी लास्ट एमसीक्यू है आज वाली वीडियो को, चलिए देखते हैं इसे क्या है। इफ एन रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज, अगर आपके पास एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो क्या होगा। ऑप्शन ए आर बाय एन स्क्वायर, ऑप्शन बी एन स्क्वायर बाय में आर, ऑप्शन सी एन बाय में आर एंड ऑप्शन डी R बाय में N क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता है जब रेजिस्टेंस पैरलर में हो तो होता है 1 बाय आर वन, वन बाय आर टू प्लस सो ऑन, जितना भी है आपके पास आर एन हम यहाँ से मान लेते हैं। अगर हमने इसको ऐसे लेके चले हैं देन हमें गिवन है N नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि N बाय आर, है ना। तो यहाँ से निकला है 1 बाय आर इज इक्वल टू N बाय में R, तो रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा R बाय में N।
मतलब है इसे कलेक्ट कर लिया है हमने, और ये आपके पास एन बाय में आर आया है, तो यहाँ से इसको हमने उल्टा कर दिया है तो आर बाय में एन आया, तो ऑप्शन में गिवन है आपको आर बाय एन। यस ऑप्शन डी इज करेक्ट, आर बाय में एन। समझ में आया यहाँ से? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज़ में भी आ जाता है, तो सीरीज़ में भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को हमने। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना है। कुछ डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो वो भी अपने डाउट हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया उसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियोज़ की टाइमली मिल सके। सो आज वाली वीडियो में हमने इतने ही MCQ डिस्कस करने थे। आज वाली वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।